Hey guys, welcome to AK Tech Brother Friends. आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको अनबॉक्सिंग दिखेगा और इस अनबॉक्सिंग के अंदर आपको कौन सा सेट है, कौन सा मोबाइल है वो भी देखने को मिलेगा। तो हम इसे वेट नहीं करना चाहते, फटाफट से इसे कट वगैरह करते हैं। बॉक्स अमेजन की तरफ से हमें मिला हुआ है, हमने कुछ परचेज किए थे। तो जैसा कि कट वगैरह हो चुका है, तो इसमें एक हमें यहाँ पर्चा मिला हुआ है जिससे, और उसके नीचे एक डब्बा मिला हुआ था। तो पहले हम पर्चे को खोल लेते हैं। तो इसके अंदर हमें अमेजोन की तरफ से एक लिस्ट मिलता है, जो लिस्ट इसके अंदर मिला है वो एड्रेस वगैरह है और रेट इसका होगा, और ये होगा वारंटी कार्ड के साथ। तो इसे भी हम साइड रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिखेगी बॉक्स का, इन फोकस टर्बो का। तो टर्बो 5+ है ये, और इसके ऊपर आपको दिखेगा जूट नोट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, नोट इन फोकस टर्बो 5 डुअल रियर कैमरा लिखा हुआ है, और पन्नी से बिल्कुल अच्छे से पैक है। तो इसे हम कट करेंगे। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे 4850 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी है। उसके बाद आपको 1.5 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, 2.5D का कर्व्ड ग्लास मिलता है, और फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे 120° वाइड एंगल है ब्यूटीफाई मोड के साथ, और 13+5 MP का रियर कैमरा भी है, डुअल रियर कैमरा। तो और नीचे आप देखेंगे इन फोकस का ये IMEI कोड सब है, और उसके बाद मॉडल आपको दिख जाएगा, और इसके अंदर GSM वगैरह जो भी LTE और वोल्टी सब कुछ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे हम कट करते हैं। तो ये पन्नी को हमने सील पैक था और इसे हमने कट वगैरह कर दिए हैं। तो दो तरफ इसमें पैक रहता है, इसे हम दो तरीके से कट करते हैं। तो ये पन्नी वगैरह हमने इसे ऊपर से हटा दिए हैं, और ये डब्बे को थोड़ा सा टाइट होता है जिस वजह से थोड़ा खोलने में दिक्कत होता है। तो ये जैसा कि बॉक्स हमने खोल दिया है, और इसके ऊपर एक पन्नी है, और मोबाइल आपको साफ साफ दिख रहा होगा इन फोकस के ब्रांडिंग के साथ। तो इसे हम थोड़ा साइड रखते हैं और बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर एक लिफाफा मिलता है, उसके बाद इन फोकस का कुछ गाइड मिलता है, जो गाइड हमें पढ़ने को दिया जाता है। उसके बाद हमको मिलता है एक वारंटी कार्ड इन फोकस का है, और उसके बाद हमें मिलता है एक टेम्पर्ड ग्लास। तो टेम्पर्ड ग्लास भी अच्छा था। और उसके बाद आपको एक USB केबल मिलेगा, USB केबल को हम बाद में देख लेंगे कट वगैरह करके। और इसमें आपको एक USB चार्जर मिलेगा, इसको भी हम बाद में देखेंगे कट करके। और इसमें मैं आपको धीरे जल्दी से बता रहा हूँ, इसमें आपको एक सिम अडेप्टर भी मिल जाएगा। तो इसे भी हम रख देते हैं इसके अंदर, और अब करते हैं फोन को अनबॉक्स। तो इसके ऊपर से जैसे ही हमने इसे पन्नी हटाया, तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्बो 5+ 4850 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी लिखा हुआ है, 1.5 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, और नीचे आपको सामने की तरफ आपको नीचे दिखेगा एक फिंगरप्रिंट सेंसर। ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। और इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा पीछे दिखाऊं, तो आप देखेंगे कितने सारे इसमें डुअल रियर कैमरा के साथ LED फ्लैश मिलता है। उसके नीचे आपको इन फोकस की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 3GB और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको मिलता है, 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी टर्बो 5+। तो ये मेड इन इंडिया है, और इसको हम थोड़ा सा ओपन वगैरह करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सामने में देखने को मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कर्व्ड है, आप चारों कोने को देख लीजिए, और बीच में भी आप देखेंगे कर्व्ड आपको दिख रहा होगा, आपको फील होगा, आप शायद कैमरे में ना देख पाए, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कर्व्ड आपको फील होगा अगर आप इसे खरीद लेते हैं। तो ये आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बेस्ट मोबाइल होगा अगर आप खरीदते हैं। आपको 7500 के अंदर आपको ये रेंज में एक बढ़िया मोबाइल मिल जाएगा। ये Xiaomi Mi 2 को टक्कर देता है, Redmi Note 4 को टक्कर देता है, और Realme को भी टक्कर देता है। इसके साथ आपको Redmi 4 को भी ये टक्कर देता है। तो इसके ऊपर एक पन्नी था जिसे हम हटा लेते हैं, और इसे हम कर देते हैं अनबॉक्स। और इसके ऊपर हमने जैसे ही पावर बटन दबाया, तो इन फोकस पावर्ड बाय एंड्रॉइड ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको इसमें मैं दोबारा से बताऊंगा कि इसमें आपको 2.5D का कर्व्ड मिलेगा, और इसे आपको फील कर सकते हैं अगर आप ये फोन खरीदते हैं। तो इन लाइफ कीप योर लाइफ इन फोकस ऐसा भी लिखा हुआ है, और आई उछल रहा है। थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम इस वजह से लगेगा क्योंकि थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है शुरुआत में, और उसके बाद आपको बोलेगा कि आप लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा इंडियन है, लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया होगा, या इंग्लिश आप यूनाइटेड भी ले सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का ही सेलेक्ट करेंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे बोलेगा इंसर्ट सिम कार्ड या स्किप, तो हम स्किप करेंगे फिलहाल के लिए। और उसके बाद बोलता है कि सेट अप योर
IF9021 जो भी इसका शायद होगा फोन रेडी टू गो। आपको सीधा इसकी या इस पे आपको क्लिक सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है वाईफाई डोंट यूज एनी नेटवर्क फॉर सेटअप, तो डोंट यूज कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट नीचे जाना है, एग्री के बटन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जैसे ही होता है जस्ट अ सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें कोलकाता और डेट वगैरह सेट कर लेना है। तो डेट यहाँ पे हम इंडिया से हैं तो कोलकाता सही रहेगा, उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि सब कुछ सेट हो चुका है, इसे नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें नाम बोल देगा, तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आशुतोष लिख देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट होता है तो ऐड फिंगरप्रिंट बोलता है, सब कुछ यहीं पे सेलेक्ट करने को बोलता है, पर हम स्किप कर देते हैं जल्दी जल्दी में ये वीडियो बन रहा है तो स्किप कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलता है सेटअप लेटर, यहाँ पे आपको सेटअप लेटर कर देना है और ये मोबाइल हो चुका है अब ओपन। ये देख रहे हो कितना अच्छा लुक दिख रहा है आपको, और 8 बज चुका है तो यहाँ पे आपको सामने का लुक बहुत अच्छा दिखेगा और आपको फील भी होगा कि आपने मोबाइल कैसा खरीदा है। तो इसमें थोड़े आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आपको स्क्रीन पे ही ये बैक और होम बटन आपको देखने को मिलेगा और रिसेंट बटन भी आपको उसी पे मिलेगा। तो थोड़ा सा हम स्लाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ आपको फंक्शन बोलेगा वो आप सेट कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम अगर देखें इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा अभी सिम कार्ड वगैरह तो सेट नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने अबाउट सेक्शन ओपन किया है, उसके बाद आपको मॉडल नंबर देखने को मिलेगा IF9021, उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन जो है वो 7.0 देखने को मिलेगा और बेस्ट वर्जन आपको काफी अच्छा मिलता है। इसमें कर्नल वर्जन जो है 3.1835+ का मिलता है। उसके बाद हम अगर इसमें एक्सपीरियंस की बात करें, बिल्ड नंबर हमारा और ये ऑलरेडी डेवलपर के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ से हम बैक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं शेड्यूल पावर, यहाँ पे काफी चीज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रिंटिंग का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप बैकअप रिसेट का भी ऑप्शन देख सकते हैं, गूगल भी आपको मिलेगा। सिक्योरिटी का ऑप्शन अगर हम खोलते हैं तो इसके अंदर आपको मिलेगा स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिलता है। शायद इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है क्योंकि न्यू अपडेट है तो इसके अंदर फेस अपडेट भी है। तो इसे हम बैक करते हैं और उसके बाद आपको स्टोरेज टाइप ये सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था ये 32 GB और 3 GB वाला मोबाइल फोन है। इसके अंदर आपको यहाँ पे शुरुआत के ऑप्शन में आपको दिखेगा इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज 23.86 GB हमको शुरुआत में मिलता है। और इसके बाद बैक करके हम यहाँ पे साउंड क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी ऊपर से मिलता है जब हम कुछ भी ओपन करते हैं तो, और सब कुछ सेट करने के बाद ये था बस इसका क्विक रिव्यू। और इसके साथ मैं आपको बताने वाला था कि चार्जर का भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, तो इसके साथ मैं चार्जर भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चार्जर का पन्नी हम फटाफट से इसे कट वगैरह कर लेते हैं। तो जैसे ही ये कट हमने किया तो ये काफी बड़ा इसका केबल दिख रहा है, ऊपर से हमें पन्नी भी देखने को मिलता है। तो इसे अगर हम ये कम से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर का ये चार्जर होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे अगर हम USB चार्जर को अगर कट करें इस पन्नी को तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक चार्जर। इसका आपको अगर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये 5 वोल्ट का है और इसके बाद हम इसे भी रख देते हैं। और इसके बाद मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा इसमें आपको फील बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि ये दोनों तरफ से कर्व्ड है। अगर आगे पीछे की बात करूं तो इसमें आपको कर्व्ड मिल जाएगा। तो साइड से भी मैं आपको दिखाने वाला हूं पावर ऑफ पावर ऑन की तरफ, तो यहां पे आपको कर्व का थोड़ा दिखाई देगा और यहां पे एल्युमिनियम बटन भी आपको दिखाई देगा। चारों तरफ से अगर आपको एल्युमिनियम सेट और नीचे की तरफ आपको नेटवर्क सिलिकॉन का मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल एक चमकदार सा एक लाइन जा रहा है जिसे हम नेटवर्क लाइन कहते हैं। तो ये चारों तरफ से है और ये मेटल का है, तो इसकी थोड़ी थिकनेस थोड़ी ज्यादा मोटी है पर ये कर्वी लुक के साथ आता है। तो यही था इसका एक क्विक रिव्यू। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ सबसे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे चार्जर और कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जो ये स्पीकर्स आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। और ये 3.5 mm का यहाँ पे आपको जैक भी देखने को मिलता है। तो ये था इसका क्विक रिव्यू। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।